एप्लीकेशन में कुछ कंसेप्ट और सवालों को कैसे हल करते हैं आज हम लोग सीखेंगे। और मैंने आपको कुछ कंसेप्ट भी मैंने बता दिया था, और आज कुछ अगला कंसेप्ट है, जैसे एक बटा के दो, जब भी सवाल में एक बटा के दो आए तो उसको हम 50 पैसा लिखेंगे, और एक बटा के चार आ जाए तो उसको हम 25 पैसा लिखेंगे, और 3/4 फ्रैक्शन में मान आ जाए तो 75 पैसा, 1/5 आ जाए तो 20 पैसा, 7/10 आ जाए तो 70 पैसा, यानी कुछ वैल्यू को हमें याद कर लेना है। और एक बड़ा ही जैसे 1/3 + 1/6, इसका यूज हजारों बार इसका सवालों में यूज होता है, तो हमें इसे डायरेक्ट हल कर लेना है। जैसे 1/4 ये कैसे आया है, तो हमें 100 यहाँ पर गुणा करा लिए है तो यही आता है 25, चाहे 25% आप मानकर चलिए, चाहे 25 पैसा मानकर चलिए। तो देखिए 1/3 + 1/6, देखिए ये एक हर दूसरे हर को काट दे रहा है, तो यहाँ पर 2 हो गया, 2 + 1 कर लेंगे तो 3, और जिसका फ्रैक्शन में बड़ा वॉल्यूम रहता है उसे लिख लेते हैं, यानी 1/2। ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, तो हमें डायरेक्ट याद होना चाहिए 1/3 + 1/6 का मान कितना होता है 1/2। अब जैसे सवाल, जैसे 5 = 4 + 6 = 2 + 2 = 1/4 + 3 = 1/2, तो इसे कैसे हल करेंगे? तो सबसे पहले बेसिक तरीका, और लोग इसका यूज भी करते हैं, जैसे 5 + 20 = 21 = 21/4 + 13/2 + 9/4 + 7/2, इसका एलसीएम हम लोग ले लेते हैं, तो 4 इसका हो गया एलसीएम 21 + 26 + 9 + 14। तो देखिए 6 + 7 = 16 + 4 = 20 = 0 + 2 = 5 = 7, यानी 70/4, इसको हम लिख सकते हैं 35/2 = 17/1/2। तो हमें इस प्रोसेस से नहीं चलना है, तो हमें कैसे परीक्षाओं में कैसे इसको हल करते हैं, जैसे 5/1/4 दिया है + 6/1/2 + 2/1/4 + 3/1/2 दिया है, तो हमें सबसे पहले पूर्णांक वाली संख्या को जोड़ लेते हैं, जैसे पूर्णांक है फ्रैक्शन है, तो देखिए 5 + 6 = 11 + 11 = 12 + 13 = 16, तो यहां डायरेक्ट 16 लिखेंगे, 16 हो गया, और 1/4 का मान कितना है मैंने यहां पर लिखवा दिया है 25 पैसा, जिसको हम 25 पैसा यहां लिख लेंगे, और 1/2 का मान होता है 50 पैसा, 1/4 का मान होता है 25 पैसा, और 1/2 का मान होता है, हमें याद होना चाहिए 50 पैसा, देखिए 50 50 100 हो गया 100 पैसा, तो हम उसको हम 1 रुपया बना लेते हैं, तो इसमें हम पूर्णांक में 1 जोड़ लेते हैं, और हमारा बचा कितना है 50 पैसा, यानी ये 17 + अब हमें इसे रुपया में बदल देना है, तो 100 का हम गुणा करा लेंगे तो 1/2 17 + 1/2 तो हम इसको लिख सकते हैं 17 + 1/2, देखिए 17 + 1/2 को हम लिख सकते हैं 17 + 1/2, चाहे 17 + 1/2 को लिख सकते हैं 17 + 1/2। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले पूर्णांक संख्या को जोड़ लिया, जैसे 6 + 5 = 11 + 11 = 12 + 13 = 16, तो मैंने यहां पर 16 लिख लिया प्लस, अब देखिए 1/4 1/2 1/4, देखिए 50 पैसा ये हो गया 50 पैसा ये, तो 100 पैसा हो गया, तो हमें एक यहाँ पर लिख लेना है प्लस 50 पैसा बचा है, तो 50 पैसा को देखिए हम लिख सकते हैं 50 पैसा को हम लिख सकते हैं 1/2, तो 17 + 50 पैसा को हम लिख सकते हैं 1/2, तो इसी को हम 17 + 1/2 लिख सकते हैं। तो इस प्रोसेस से हम सवाल को जल्दी से हल कर लेंगे।
दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे 7 सही 2/3 प्लस 8 सही 1/3 माइनस 5/3, इस सवाल को हमें हल करना है। तो सबसे पहले पूर्णांक को हम हल कर लेते हैं, तो 8 7 15, तो हम 15 यहां पर लिख लेते हैं, यहां पूर्णांक कोई है या नहीं तो उसको जोड़ेंगे नहीं, तो 8 7 15। अब हम एक नजर देखें हर में, तो इसका देखिए हर क्या है, समान है, यानी फ्रैक्शन का हर क्या है, समान है। तो हमें ऊपर ऊपर प्लस है तो प्लस जोड़ लेंगे, और जिसके सामने माइनस है उसमें घटा लेंगे, तो 2 + 3 हो गया, 3 में से हम 5 - 5 घटाएंगे तो -2/5, 2/3, 3 है यहां पर फ्रैक्शन में मान। तो देखिए इसके इसे हम देखिए हल कैसे करते हैं, देखिए हम बताए आपको, जब हमें पूर्णांक संख्या से जब फ्रैक्शन को घटाना है तो हमें 1 कम कर देना है, तो इसे 14 लिखेंगे, और हमें नीचे से ऊपर घटा देना है तो 1/3, 3 में से 2 जाएगा 1/3, यानी 14 सही 1/3 इसका आंसर हो गया। अब तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, जैसे 1 सही 1/2 प्लस 4 सही 1/3 प्लस 5 सही 1/6, इसे हमें हल करना है। तो देखिए पूर्णांक वाली संख्या को हम जोड़ लेते हैं, जैसे 1 4 5 5 5 10, तो हम यहां पर 10 लिख लेंगे, और 1/2 का मान कितना है 50 पैसा, और देखिए 1/3 और 1/6 का मान कितना है 1/2, तो हम डायरेक्ट इसका मान हम लिख लेते हैं 1/2। तो देखिए 1/2 को हम लिख सकते हैं 50 पैसा, तो देखिए 50 पैसा है, 50 पैसा है कितना हो गया 1 रुपया, तो हम डायरेक्ट इसमें 1 जोड़ लेंगे, तो इसका आंसर आ गया 11। चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं, जैसे आपके सामने दे दिया 4 सही 1/3 प्लस 3 सही 2/5 प्लस 2 सही 1/6 प्लस 1 सही 1/5, 4 सही 1/3 प्लस 3 सही 2/5 प्लस 2 सही 1/6 प्लस 1 सही 1/5 हमें जोड़ना है। जो सबसे पहले हमें पूर्णांक वाली संख्या को जोड़ लेना है, तो 4 3 7 2 9 1 10, 10 हम लिख लिए। अब देखिए 1/3 प्लस 1/6, देखिए यहां पर पुनः आ गया, तो 1/3 प्लस 1/6 को हम लिख सकते हैं प्लस 1/2। अब अच्छा कितना है 2/5 और 1/5 प्लस 2/5 प्लस 1/5, तो देखिए आप पैसा में भी बदल सकते हैं, नहीं तो आपको दिक्कत हो रहा है तो 10 प्लस इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो 5 इसका 10 इसका एलसीएम हो गया, 10 इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो 5 + 4 + 1 2, 5 × 10 यहां 2 आ गया, तो 10 + 5 = 9 9 2 = 11 / 10, तो हम 10 + 1 = 10 इसको लिख सकते हैं, देखिए इसको हम प्लस कर दे रहे हैं, तो देखिए 10 × 10 = 11/10, यानी 11/10 को हम लिख सकते हैं 1 + 1/10। अब हम इसको जोड़ लेते हैं पूर्णांक वाली संख्या को, 10 × 11 / 1/10, देखिए हम बताएं आपको 1 + 1/10 को हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 सही 1/10, इसमें कोई अंतर नहीं है, हम इसमें प्लस छिपा हुआ है, तो ये आपका आंसर आ गया। अब पांचवे क्वेश्चन पर, जैसे 3 सही 1/6 प्लस 4 सही 1/2 माइनस 2 सही 2/3 माइनस 1 सही 11/12 में करना है, तो हमें डायरेक्ट कैसे हल करेंगे, देखिए 4 3 7 7 में से 2 गया 5,
एक बटा के दो माइनस दो बटा के तीन माइनस ग्यारह अपन बारह। तो हमें एक कसम नहीं खाना है कि हमें सभी को पैसा में ही बदल कर सवालों को हल करेंगे। नहीं समझ में आ रहा है तो हमें एलसीएम ले लेना है। तो देखिए एलसीएम इसका हम ले लेते हैं 12, तो 2 प्लस 6 माइनस 3 चौके 12, तो यहां 8 आ गया यहां पर माइनस 11। तो देखिए 4 प्लस ये 8 हो गया, 6 दो 8 माइनस 19 अपान 12। इसको हम लिख सकते हैं 4 प्लस, देखिए यहां पर बड़ा चिन्ह है तो यहां माइनस आ जाएगा, तो माइनस 11 अपान 12। अब हमें इसको हल करना है, इसे हमें हल करना है 4 माइनस 11 बटा के 12, इसको हमें डायरेक्ट हल करना है, हमें पूर्णांक से एक कम कर देना है, तो 3 यहां पर आ गया, हमें नीचे से ऊपर घटा देना है तो 1 अपान 12, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया डायरेक्ट 3 साइन 1 बटा के 12। तो आज हम लोगों ने कुछ कंसेप्ट और सवालों को आसानी पूर्वक हल कर दिया और हम लोग